हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप खत्री। आप देख रहे हैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि आसूस की तरफ से, बेसिकली आसूस का लैपटॉप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उस लैपटॉप को बना देते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। तो यही फीचर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और आपको बस देखना है, और इसके बाद आप डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे अगर आपके पास एसूस का लैपटॉप या आपके किसी फ्रेंड या नोन के पास एसूस का लैपटॉप है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत मेहनत से बनाई गई है, आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसी वीडियो और भी बहुत सारी लेके आऊंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको यहाँ बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ASUS लैपटॉप की ट्रिक। ये ट्रिक आपको ASUS के बहुत सारे लैपटॉप्स में मिल जाएगी, पर मेरे पास ASUS का Vivo Book X512FA लैपटॉप सीरीज़, तो इस लैपटॉप को जस्ट मुझे अभी ये मिला ही, और मैंने जब इसके जेस्टर मूव्स ट्राई किए तो रियली आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ। सबसे पहली बात, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो इतना बेस्ट काम करता है, विद इन ए सेकेंड ये अनलॉक कर देते हैं। मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, मेरी इस मिडिल फिंगर से मैं इसे अनलॉक कर सकता हूँ। देखेंगे मैं 1 2 3 स्टार्ट, मैं टच किया और ये अनलॉक हो गया, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जेस्टर मूव, अगर आप इसके ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाने के बाद आप किसी चीज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है कि आप यहाँ पर जहाँ भी कर्सर लेके जाएंगे, अगर मैं फ्री डाउनलोड पे लेके गया, मुझे यहाँ पे जूम करना है तो मुझे अपनी इस फिंगर को स्ट्रेच करना है बस टच पैड पे, आप देखेंगे वो एरिया जूम हो जाएगा और आप इसे जितना मर्जी जूम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप इसे जूम आउट भी उन्हीं फिंगर से कर सकते हैं जैसे आपने किया था। तो ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जिनकी आई साइट वीक है या जो किसी चीज़ को जूम करते थे पहले कंट्रोल कर्सर से, लेकिन अब उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो गया है ASUS की तरफ से। दूसरी बात, अब आपको एक चीज़ बताऊँ, हम अगर किसी चीज़ को कर्सर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें उसके लिए माउस का टच पैड दबा के उसे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, लेकिन ASUS ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ ASUS ने क्या किया है। आप जब भी किसी ASUS की वेबसाइट पे या गूगल की वेबसाइट पे कहीं पे भी लैपटॉप में जाएंगे, आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे ASUS, तो आप या द टेक क्लब सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात अब करना क्या है, आपको अपनी दोनों फिंगर लेनी है, टच पैड पे जाना है और बस आपको दोनों को स्क्रॉल डाउन करना है, टच करना, आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। ये इतना इजी और स्मूथ प्रोसेस है, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि ASUS ने इस ऐसे ट्रिक पे काम किया। इसी के साथ मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊँगा, तो अगली ट्रिक होगी हमारे यहाँ पे, वो है थ्री फिंगर वाली। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने थ्री फिंगर से अगर आप जैसे मिनिमाइज़ करते हैं तो आपको किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी ये थ्री फिंगर्स उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देगी, आपको बस थ्री फिंगर्स को डाउन करना है और वो चीज़ मिनिमाइज़ हो जाएगी जो भी फाइल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं उस पर। इसी के साथ में अगर आपको वो फाइल दोबारा ओपन करनी है तो आपको स्क्रॉल अप करना है और वो फाइल अप हो जाएगी। देख सकते हैं आप कितना ईजी प्रोसेस है, मैं आपको दोबारा क्लोजली वो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, मैं अपनी थ्री फिंगर से इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये डाउन चली जाएगी एप्लीकेशन, करूँगा स्क्रॉल अप करूँगा तो एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जूम वाली फैसिलिटी यहाँ पे भी काम करेगी, और यहाँ पे आप इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, जूम चला जाता है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेस्ट फीचर है ये। जो अगली ट्रिक हमारे पास यहाँ पे है वो है ऐप्स को ओपन और साइड करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थ्री फिंगर्स की अगेन हेल्प से मैं किसी भी ऐप को ओपन कर सकता हूँ या उसको रिव्यू कर सकता हूँ। अगर आप थ्री फिंगर्स को दो बार अप करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे शो कर जाएगी, तो आपको बार बार एप्लीकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छा फीचर, अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी।
आप साइड से जाके किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जो यूज़ कर रही है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप मतलब मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताई, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है। दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आप वहाँ जाके मुझसे डायरेक्ट DM कर सकते हैं किसी भी ट्रिक या टिप्स के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।